यार अब बहुत हो गया। मैं बोला था ना, गौतम गंभीर जब हेड कोच बनेंगे तब टीम में बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, वही हुआ है। मुझे गौतम गंभीर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनका डिसीजन कभी कभी पॉलिटिकल होता है, वो भी बहुत ज्यादा, जो लोगों को दिखता है। ऋतुराज गायकवाद को किस हिसाब से बाहर किया है ये बताओ। कहते हैं कि मेहनत करो, खूब मेहनत करो और टैलेंट कभी जाया नहीं जाता, बट जो सूर्य कुमार के साथ हुआ है वही आज ऋतुराज के साथ हो रहा है। ऋतुराज इज वन ऑफ द परफेक्ट बैट्समैन एट नंबर 3। किसी भी सिचुएशन में इनको बाहर नहीं कर सकते, किसी भी हाल में नहीं। नो हेट टू शुभमन गिल, बट यार अगर शुभमन गिल को टीम में रख सकते हो तो फिर ऋतुराज को कैसे भी नहीं हटा सकते। अगर ओपनिंग स्लॉट प्लेयर ज्यादा हो गए हैं तो फिर शुभमन गिल को रेस्ट दो एंड ऋतुराज को खिलवाओ, क्योंकि ओपनिंग में जायसवाल एंड अभिषेक शर्मा का बेस्ट जोड़ी रहेगा। शुभमन गिल एंड जायसवाल बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। जायसवाल एंड अभिषेक हेडन एंड गिलक्रिस्ट जैसे ओपनिंग में इंडिया को ताबड़तोड़ रन बना करके देंगे, फिर ऋतुराज उसी मोमेंटम को थर्ड डाउन पे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन शुभमन गिल नहीं ओपनिंग में नहीं थर्ड डाउन पे वो कमाल करके दिखाएंगे जो अभिषेक शर्मा एंड ऋतुराज करके दिखा सकते हैं। नो डाउट शुभमन गिल कमाल के प्लेयर हैं, बट अभी एक साल से उनका फॉर्म अच्छा नहीं है, वो एक शेल में चले गए हैं। उनको थोड़ा वक्त देना होगा, थोड़ा रणजी ट्रॉफी वगैरह खिलवाना होगा, इसलिए गायकवाद वे बेटर चॉइस है। 2023 से T20 में ऋतुराज सेकेंड टॉप स्कोरर है, फिर भी इसे बाहर कैसे कर सकते हो? हर IPL में गजब का परफॉर्मेंस देते हैं। 2022 एशियन गेम में ऋतुराज के कैप्टनसी में ही इंडिया गोल्ड मेडल जीती थी, तो न सिर्फ एज अ प्लेयर बल्कि कैप्टन के तौर पे भी टीम को संभाल चुके हैं, इसलिए सिचुएशन का भी एक्सपीरियंस है। और ऋतुराज का सबसे बेस्ट चीज है कि एंकर इनिंग भी खेल सकते हैं और तुरंत में अपना गियर भी चेंज कर लेते हैं और अटैकिंग भी खेलने लगते हैं। अभी हाल ही में देखे होंगे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, इसलिए नंबर 3 ऐसे बैट्समैन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। और ऋतुराज का ओपनिंग वाला भी प्रॉब्लम नहीं है, जब चाहे उनसे ओपनिंग भी करवा सकते हो। इवन के नंबर 4 भी प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए। ओपनिंग में सेंचुरी, थर्ड डाउन पे सेंचुरी, फोर्थ डाउन पे सेंचुरी और लास्ट के 7 T20I में 158 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं और 71 का एवरेज है। यार अब बंदा कितना परफॉर्म करे ये बताओ। ऋतुराज का टीम इंडिया में सिलेक्ट ना हो पाना सरासर पॉलिटिक्स है। एज एन ICT फैन बहुत बुरा लग रहा है, क्या बताऊं। बहुत लोग कह रहे हैं कि ऋतुराज अनलक्की है, इतने परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट इसे अनलक्की नहीं कहेंगे, ये सरासर पॉलिटिक्स है, मैं बता रहा हूं। और लगता है कि गौतम गंभीर के राज में वो सब देखने को मिलेगा जो राहुल द्रविड़ के राज में नहीं देखने को मिला। टैलेंट हार गया, पॉलिटिक्स जीत गई।